नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा शेंडे। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। पीलीभीत के गांव अर्शिया भोज गांव की दबंगिक महिला को कर रहे परेशान, झूठे केस में फंसाकर पति को पहुंचाया हवालात में, खेत और घर पर चाहता है कब्जा करना। खंडवा के ब्लॉक हालवा में वन विभाग की टीम ने की कार्यवाही, जंगल से चोरी छुपे सागौन की अवैध कटाई करने वाले 7 गुर्गे गिरफ्तार, मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस। पन्ना जिले के कटनी तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ाई, गाड़ी में 58 लाख रुपए, किलो सोना और 200 ग्राम चांदी बरामद। खेत और घर पर कब्जा करने के उद्देश्य से पीलीभीत के गांव अर्शिया भोज के एक दबंग ने यहीं की महिला का जीना दुभर कर दिया है। यह दबंग पीड़ित महिला को न तो खेती करने दे रहा है, न ही बच्चों को पढ़ाए। दबंगों ने पुलिस की मिलीभगत से पीड़ित महिला के पति को भी झूठे केस में फंसाकर हवालात पहुंचा दिया। पीलीभीत के गांव अर्शिया भोज में रहने वाली पीड़ित महिला कुंदी देवी ने बताया कि गांव के ही कुछ दबंग उन्हें खेती नहीं करने देते हैं। पुलिस की मिलीभगत से उनके पति राम कुमार को मर्डर केस में फंसाकर जेल पहुंचा दिया गया है और उन्हें बच्चों सहित गांव से भगाया गया। गांव में बने उनके घर को तोड़कर जो सामान घर में था वह भी निकाल लिया, बच्चों की पढ़ाई के कागजात भी निकाल लिए गए। जब उन्होंने थाने में शिकायत की तो पुलिस ने भी कोई कार्यवाही नहीं की। जब दबंगों ने फर्जी मामला बनाकर उनके पति के खिलाफ शिकायत की तो उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल जेल काटने के बाद जब कोर्ट ने उनके पति राम कुमार को जमानत दी तो पुलिस पीड़ितों को चुप रहने और कलम की ताकत का हवाला देकर डराने लगी। इस मामले में पीड़ित की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बिसलपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। वो तहरीर दही, वो हमारे घर के सब लूट खा कर ली और हमारे पति झूठे लिखा दिया। वो किसान का लेन देन का झगड़ा, उनका आपस में एक दूसरे विवाद में मर गए तो हमारे पति झूठी लिखा दिया। अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत जाए वो खेती नहीं करने देते। अच्छा, तो पुलिस नहीं सुन रही? पुलिस सुनती ही नहीं है, पुलिस तहरीर देते हैं वो सुनते नहीं है। अच्छा, कहाँ तहरीर दी आपने? तहरीर हमने मंगल दिवस दी और जो पीलीभीत वो बैठते कहाँ है वो एसपी उनके पास दी, वो उन्होंने नहीं सुनी। अच्छा, थाने में भी दी, इन्होंने भी नहीं सुनी। और सत्यपाल गाड़ी गरौज करी क्यों कि यहाँ क्यों आती हो? जब हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन देखने जाते हैं, हमारे घर वहाँ भी है अर्शिया भोज में और जमीन भी है, हम वो ही देखने जाते हैं। तो क्या जो रंजिश मांगते हैं? हाँ, रंजिश मांगते हैं और बड़े पाए उस हमारे जेठ को फंसा दिया, उससे हमसे रंजिश मांगते हैं। खंडवा के ब्लॉक खालवा में वन विभाग की टीम ने जंगल से चोरी छुपे सागौन की अवैध कटाई कर परिवहन कर रही पिकअप और मोटरसाइकिल को घेराबंदी कर जब्त किया है। इस सिलसिले में वन माफिया के 7 गुर्गों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। खंडवा जिले के आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक खालवा में वन विभाग ने जंगल माफिया पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। मामला खालवा सब डिवीजन की रेंज पश्चिमी कालीभीत के दावनिया का है। एसडीओएम एस सोलंकी के निर्देशन में रेंजर अभय सिंह भूरिया की टीम की इस कार्यवाही से वन माफिया में हड़कंप मच गया। इस मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वन विभाग इस बात का पता लगाने में जुटा हुआ है कि कौन कौन गिरफ्तार गुर्गों के साथ मिला हुआ है और इसका मास्टरमाइंड कौन है। वन विभाग की टीम सारी कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। फिलहाल जंगलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। खंडवा से संजय चौबे की रिपोर्ट। दावने बीट का मामला है, वहाँ से बाटला गांव के 4-5 लोग जो हैं, जिसमें पंकज नाम के व्यक्ति ने वहाँ के आसपास के जंगल से लकड़ी कटवाई है, तो 11-10 की घटना है जिसमें गांव वालों की मदद से एक पिकअप और एक मोटरसाइकिल जब्त करी है और पिकअप में लगभग 2 घन मीटर माल उसने ये भर के ले जा रहे थे। इसमें अभी और आगे छानबीन चल रही है, इसमें और अपराधियों को पकड़ने की पूरी संभावना है, जो 2-3 दिन में हम लोग खुलासा कर देंगे। इस प्रकरण में अभी हम अभी तक 7 आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर चुके हैं और आने वाले समय में और इसमें राज खुलने वाला है। पन्ना जिले के रायपुरा थाना स्थित कटनी तिराहा में वाहन चेकिंग के दौरान सर्विलांस टीम ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा। चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो से करीब 58 लाख रुपए, 1 किलो सोना और 200 ग्राम चांदी बरामद की गई। विधानसभा चुनाव के लिए जिले में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्थित एक सर्विलांस टीम यानी SSC का गठन किया है। चेकिंग के दौरान टीम ने स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका, जिसमें से 57,80,000 रुपए नगद तथा 1 किलो सोना और 200 ग्राम चांदी बरामद की गई है। गाड़ी में उत्तर प्रदेश के आगरा के 4 लोग सवार थे।
पुलिस पूछताछ में चारों ने अपने नाम संजय उपाध्याय, हिमांशु जैन, मन्नू उर्फ मदन यादव, कपिल उर्फ पप्पू बताए हैं। सर्विलांस टीम ने सोना, नकदी और चांदी को जब्त कर लिया है। पन्ना से सौरभ साहू की रिपोर्ट। नवरात्रि के अवसर पर बिलासपुर के दयालबंद में आयोजित नौ देवियों की चैतन्य झांकी में झूले पर विराजित माता जी सभी भक्तों को दर्शन देती हुई नजर आई। माता रानी के इस वैभव रूप को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। इस दौरान शिव की भक्ति, शक्ति, ज्ञान, गंगा, ब्रह्मा कुमारी बहन के भी भक्तों को दर्शन हुए। ब्रह्मा कुमारी देवी ने सभी नगरवासियों को अलौकिक आध्यात्मिक झांकी के दर्शन हेतु आमंत्रित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिलासपुर वासियों का यह परम सौभाग्य है कि यहां ऐसी चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया। ध्वनि व प्रकाश के माध्यम से गुफाओं, बादलों और पर्वतों से इस तरह प्रकट होने की झांकी कैसे आयोजन बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलते हैं। राजगढ़ में पचौर के पास स्थित गुलखेड़ी में एसपी सिमाला प्रसाद ने छापेमार कार्यवाही करते हुए 22 से अधिक शराब की दुकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया। इस दौरान पुलिस ने यहां से हजारों लीटर शराब जब्त की। राजगढ़ में पचौर के पास गुलखेड़ी में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। यहां पचौर और बोड़ा के शराब ठेकेदारों की मिलीभगत और सोम डिस्टिलरी, विंध्याचल डिस्टिलरी की मदद से 22 अंग्रेजी शराब की अवैध दुकानें संचालित होती है और आधी कीमत में बेची जाती है। गांव गुलखेड़ी में अवैध शराब के ठिकानों पर आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्यवाही की और हजारों लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने लगभग 5 ट्रक अंग्रेजी और देशी शराब के जब्त किए हैं और 22 ठिकानों पर जेसीबी चलवाई है। राजगढ़ से पुरुषोत्तम शर्मा की रिपोर्ट। अभी की खास खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।